हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। चलिए, आज हम आपसे बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट जो है कि हम नहीं कह रहे हैं कि करोड़पति आपको नहीं बना सकता, लेकिन क्या है कि उसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस लेवल आपका टेस्ट होगा। देखिए, पेशेंस लेवल टेस्ट होने का मतलब 50 रुपये के स्टॉक में जाएंगे आप 50-55 के स्टॉक में, तो आप समझ लीजिए कितने साल में करोड़पति बनेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक रिस्की पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट आप किसी स्टॉक में लगा रहे तो आप वहाँ पर फंस भी सकते हैं, ट्रैप भी हो सकते हैं। लेकिन आपको इतना ही बताना चाहिए, देखिए ट्राइडेंट अभी तक फिलहाल तो जो है कि कोई बुरा कंपनी साबित नहीं हुआ। हमने इसको बहुत निचले स्तर से देखा है, 7-8 रुपये के आसपास जो है कंपनी को हमने देखा था, जो कि इसमें 70 रुपये जाने के बाद जो है कि कंपनी में स्प्लिट हुआ था। उसके बाद जो है कि अभी इस 50-55 के आसपास जो है कि उसी रेंज में चल रहा है। हम इतना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहिए, देखिए 50 से नीचे तो कंपनी आ नहीं रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना, देखिए एक बार अब फिर उसी रेंज में जा रहा है 70 के आसपास जो है कि फिर इसने हमको बाई बैक बोनस स्प्लिट जो है बाई बैक स्प्लिट बोनस इस सब अपना फोकस नहीं होना चाहिए डिविडेंड के आसपास। लेकिन हम इतना ही बताना चाहते, देखिए बोनस मिल सकता है वो सब इफ बट वाली कंडीशन रहती है, लेकिन इसके लिए हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं प्लीज़ जो है कि आप इसको जिसके पास भी है आप होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए एक बार हम इसके फटाफट जो है कि कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं। चलिए हम आ गए कंपनी के ऊपर। देखिए 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन आपको इतना ही पता, देखिए लार्ज कैप मार्केट कैप है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या है कि कंपनी जो है कि एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी कही जाती है। लेकिन क्या है, इसमें एक रिस्की पॉइंट यही है कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट में चलता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट ही मानिए आप, इसमें कुछ महीने से कुछ जो है कि दिनों से इसमें जो है कि ट्रेडिंग हो रहा है, ये पॉजिटिव साइन है। देखिए हाई इसका जो है 70 के आसपास है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया होगा। हम इतना ही कहना चाहिए, जिनके पास भी है प्लीज़ होल्ड करके चल सकते हैं, कंपनी जरा से भी बुरी नहीं है। दूसरा देखिए 13 के आसपास जो है कि इसका लो है, पी जो है कंपनी का 37 का है, 7 रुपये का बुक वैल्यू है। देखिए कोई इतना ये सब डिविडेंड ये सब अपना ROE जो है कि फोकस नहीं हो चाहिए, फिर भी एक फोकस के लिए हमने देख लिया। चलिए इनके एक बार हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। देखिए एज ए मार्केट कैप के हिसाब से देखिए कंपनी जो है कि नंबर 1 पे अपने सेक्टर में आती है। चलिए हम आ गए क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। देखिए हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट को चेक करें, देखिए 1400-1300 पहले सबसे सेल्स चेक कर लेते हैं, 1300, 22, 10, 1900, 700, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1900। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस क्वार्टर को क्या बीट कर पाते हैं सेल्स को। चलिए देखिए एक बार इनके हम नेट प्रॉफिट को भी देख लेते हैं डायरेक्ट, जो है कि वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। देखिए नेट प्रॉफिट इनका जो है कि देखिए 93, फिर 123, 137, 42, 40, 10, 100, 160, 76, 200, फिर 225, फिर 200 के रेंज में। देखिए नेट प्रॉफिट उसी रेंज में, हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं, देखिए प्लीज़ जो है कंपनी बुरी नहीं है मेरे हिसाब से, जिनके पास भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए हम आ गए कंपनी के पैनल के ऊपर, 2010 से इनका पैनल चेक करेंगे। देखिए जो है सेल्स इसमें भी चेक कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल्स ही है, सेल्स रहेगा तो आप रेवेन्यू रहेगा तो आप जो है कि प्रॉफिट निकाल लेंगे एक्सपेंसेस को कम मैनेज करके। देखिए 1700, 2500, 2700, 3300, 3800, 3800, 3700, देखिए कुछ डाउन हुआ कंपनी, फिर जो है कम बैक किया। देखिए 2 साल में जैसा मैनेजमेंट, इससे अपने को पता चलता है, जैसे मैनेजमेंट को लगा कि हाँ हमारी कंपनी जो है डाउन में जा रही है तो ऐसे ही वो कम बैक किया, ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए, कितना अच्छा मैनेजमेंट है आप देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए 4600, 4500, 5600, 4600, 5600, 6600, 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
नेट प्रॉफिट में देखिए 56-67, फिर माइनस गई कंपनी, फिर 49-197-118 250-350 के आसपास रफली पकड़ रहे हैं, माफ़ करना, फिर 250 फिर 350 फिर जो है कि फिर 350 के उसी रेंज में, फिर 350 फिर अभी इस बार जो है कंपनी 725-750 के आसपास जो है कंपनी आ गई। देखिए इस बार क्या है, बीट कर पाती है कि नहीं वो अपने को देखना है। कंपनी का बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है, मैं इतना ही बता। देखिए रिजर्व इनके जो है ग्रोइंग मोड में है और बोरिंग इनके जो है कि डाउन ट्रेंड में है। हम आपको इतना ही कहना है, देखिए बोरिंग इनके जो है कि डाउन चल रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहिए। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर ने इस क्वार्टर में माल को जो है बेचा है, तो आपको इस क्वार्टर में जो है कि इनके क्वार्टर फोर में जो है कि इनके ऊपर नज़र बना के रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एफआईज भी कुछ इसने एक्यूमुलेट किए हैं, तो आप जो है कि इस एफआईज के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। डीआईज ने देखिए डीआईज भी कुछ माल को एक्यूमुलेट किया है, तो उनके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पब्लिक जो है कि माल को पब्लिक सेल करके निकल गई है, तो उसके ऊपर भी आपको फोकस रखना है। इस क्वार्टर में क्या किया, अदर्स भी जो है कि 1.82 के % के बराबर हैं। चलिए हम कंपनी के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। चलिए हम आ गए ट्राइडेंट के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए कंपनी जो है कि 55 रुपये के आसपास है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए कंपनी अभी तक जो है कि कितने दिन में, एक महीने से दिख रहे हैं जो है कि कंपनी जो है ट्रेडिंग कर रही है। प्रॉपर ट्रेडिंग करना एक पॉजिटिव साइन है। आपको इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना, देखिए कंपनी जो है 70-68 रुपये के आसपास जो है कि 70 रुपये के आसपास जो है कंपनी गई थी, उसके बाद जो है वहाँ से अभी तक डाउन में ही है। बहुत सारे इंटरनेशनल यहाँ पे फंसे होंगे, इनको बताना चाहते हैं प्लीज़ इसको होल्ड करिए, कंपनी बुरी नहीं है। हाँ आप करोड़पति बन सकते हैं, हमने ये कहा, हमने बताया ना कि आप करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन आपको इतना
ही बताएं। देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका देखिए एक बार कितना 10,900% का चार्ट है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कंपनी आज की नहीं है, सन 2000 से कंपनी काम कर रही है, कंपनी पुरानी है जो कि अच्छा ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता, देखिए कंपनी का जो है कि एक सेकेंड, देखिए कंपनी ने 5 साल में अपने को 550% का जो है कि रिटर्न बना के दिया है। हम इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए 550% का रिटर्न बनाते समय तो जो है कि अच्छा लगा, लेकिन इतना ही आपको बताना चाहते हैं। देखिए चार्ट इनका कितना प्रॉमिसिंग है जो कि आप देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना, देखिए मात्र 27,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है जो कि एक मिड कैप है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हाई इनका 70 का है जो कि यहाँ बहुत सारे रिटेल से ट्रैप हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यही है रिस्की पॉइंट कि देखिए जब 550% जो कंपनी अपने को बना के दे सकती है तो वहाँ पर 60-70% जो है कि डाउन 25 अभी तो फिलहाल उतना तो हुआ नहीं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहते हैं डाउन हो तो आपको जो है कि इसके लिए प्रिपेयर रहें। देखिए इस क्वार्टर के इनके रिजल्ट जो है कि खराब आ सकते हैं, चाहे तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आए या ना आए जो है कि आपको देखिए जिनको बाइंग करना है वो चाहे तो अभी रुक करके Q4 के रिजल्ट एक बार देख लें फिर बाइंग कर सकते हैं। और रेजिंग जिनको करना है वो चाहे तो इक्का दुक्का स्टॉक उठा सकते हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए क्वार्टर फोर का रिजल्ट इनका अगर अच्छा आ गया तो स्टॉक में जो है कि अपर सर्किट लगना तय है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इनका बोनस का न्यूज़ चल रहा है, देखिए बोनस का न्यूज आता है 1:1 का, 2:2 जो भी XYZ आता है कि नहीं आता अपना देखो फोकस नहीं रहता है, आए या ना आए वो मिले अपने को, देखिए बोनस तो बोनस ही एक प्रकार से। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।